तो हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर और आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन यूजर्स के लिए होने वाला है जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है किसी भी कारण से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और एंड्रॉयड चलाते हैं। तो उस समय पे आपको, जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं और क्या लिखा होता है वो आपको समझ में नहीं आ पाता है, यानी कि टेक्स्ट छोटे समझ में आते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को अच्छे से और बड़े बड़े तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने Realme Narzo 20A मोबाइल की स्क्रीन पर, और इसी मोबाइल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, अगर आपकी रोशनी जो है आँखों की कम है, तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल के जो फॉन्ट होते हैं, यानी कि जो भी लिखा पढ़ा होता है, वो किस तरीके से आप बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं, और साथ ही साथ मोबाइल की स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले से संबंधित जो भी और भी बेनिफिट होते हैं, जो भी सेटिंग्स होती हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, ताकि आपको आने वाले समय में जो है इस डिस्प्ले की सेटिंग का जो है लाभ मिल सके। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो सकता है और आप इस प्रॉब्लम से निपट सकें। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम एग्जांपल तौर पे आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल में इस तरीके से फॉन्ट आते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे फॉन्ट आ रहे हैं, और ये आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी रोशनी कम है आँखों की, तो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन फॉन्टों को आप बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल की सेटिंग पर, और मोबाइल की सेटिंग पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर को स्क्रॉल किया, ऊपर को स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ए ब्राइटनेस की जो सेटिंग है उस पर हमने क्लिक किया, और उस पर क्लिक करने के बाद आप आ चुके हैं हम डिस्प्ले की सेटिंग पर। तो अभी इसको आपको समझना इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाइट और डार्क का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपकी आँखों पे अगर एकदम लाइट सीधी पड़ती है और आप बैठे हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लाभ हो जाता है, तो आपकी आँखों पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती। तो इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। इसके बाद हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का सिस्टम है, यानी कि आप यहाँ पे इसको ऑटो वाले ब्राइटनेस को सेट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सेटिंग जो ऑटो वाली सिस्टम नहीं लगानी पड़ेगी, आप यहीं से इसको ऑन कर देंगे तो यहीं से होता रहेगा। तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आई कम्फर्ट, ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आई कम्फर्ट का। तो यहाँ इसको ऑन करने से होता क्या है कि अगर आप बैठे हैं नाइट के समय पे बैठे हुए हैं, और आपके मोबाइल की डिस्प्ले की रोशनी अगर फुल है, तो जो भी रोशनी वाइट निकलती है वो सीधी आंखों पे जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर आप ऑन कर देंगे तो अपने हिसाब से ये जो भी पोजीशन मोबाइल की होगी, उस तरीके से ये कम्फर्ट आँखों के लिए बनाता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया तीसरी सेटिंग, और नीचे आके हम आपको दिखा देते हैं। तो ये तीसरे चौथे नंबर पे है, आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और जल्दी से मोबाइल हमारा डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, तो आप इसको चौथे नंबर पे देख सकते हैं। तो कितने मिनट की आपको टाइमिंग चाहिए, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, तो ऑटो स्क्रीन ऑफ हो जाती है जो, तो उसकी भी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये है, और Realme Narzo 20A मोबाइल की जो है सेटिंग बता रहे हैं फ्रेंड्स हम आपको। तो चलते हैं फाइनली अपने स्टेप पे, जहाँ पे हमको अपने फॉन्ट जो है बड़े करने हैं, यानी कि हमको अगर थोड़ी सी कम निगाह पड़ रही है, तो किस तरीके से हम इन फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, तो वो आप इस वीडियो में देखिए। और ये नॉर्मली बहुत ही अच्छी सेटिंग है। तो चलिए है फॉन्ट डिस्प्ले साइज की तरफ। तो हमने फॉन्ट डिस्प्ले साइज पर क्लिक किया है, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं ऊपर गैब्रियल कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे फॉन्ट जो है बड़े छोटे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने देखिए आप छोटे बड़े हो रहे हैं क्लिक,
ऊपर आप देख सकते हैं कि गैबरी कर रहे हैं और नीचे हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो इस साइड से लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो ऊपर छोटे बड़े हो रहे हैं। तो आपको किस तरीके से कितना रखना है तो उस तरीके से आप रख के वहीं पे छोड़ सकते हैं। आपकी जो है प्रॉब्लम जो है बड़े बड़े अक्षरों में टैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जितने भी टैक्स की आवश्यकता है उस तरीके से टैक्स अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कुछ हद तक हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेटिंग करने के बाद हमारी किस तरीके से डिस्प्ले दिखती है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इसकी सारी सेटिंग कर चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ बड़ा बड़ा दिखने लगा है। और आपको और भी बड़ा चाहिए तो और भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब जितने में आपको समझ में आ सके उतना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।